रिएक्शन होगा, इतने इंटरव्यू दे चुके। एक्सक्यूज मी। हाँ जी मैम। हाँ जी, कैसे हैं आप? हम तो अच्छे हैं मैम साहब, हमें थोड़े पैसे दे दीजिए, हम बहुत भूखे हैं। मैं पहली बार ऐसे भिखारी को देख रही हूँ जो मुझसे भी ज्यादा वेल ड्रेस है। वो मैडम, हम बस वही कपड़े पहन लेते हैं जो आसानी से पहन पाए। हाँ, और मैम कुछ खाने को दे दो, बहुत दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। कुछ भी कहो, हो तो तुम गरीब ही ना। मैम कुछ खाने को दे दो, मुझे और मेरी बहन दोनों को बहुत भूख लगी है, हमने कुछ नहीं खाया। जरूर जरूर, मैं तुम्हें खाने को नहीं तुम्हें पैसे दूंगी, मैं बहुत सारे वो भी, ठीक है? तुम चिंता मत करो, मुझे लगता है तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है। और वैसे भी तुम दो भिखारी यहाँ पे भीख मांगते हुए बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही हो ना। हाँ मैम साहब, आप बहुत भरी लग रही है। हमें काम करो, लो पैसे, इससे कुछ पाव भाजी खा लेना, ठीक है? शुक्रिया मैम साहब। मैम यहाँ पे पैसे नहीं पड़े क्या? बहुत से लोग देखे गए थे। अरे नहीं नहीं, यहाँ पे कोई पैसे नहीं है, वो तो मैंने तुम्हें 100 रुपए दे दी, इसका भी शुक्र मनाओ, वरना मैं तुम्हें वो भी नहीं देती। मेरा तो पता नहीं कि कहाँ सिलेक्शन होगा या कल सिलेक्शन होगा, वैसे भी मुझे कभी जॉब तो मिलती नहीं है। मैम साहब, अरे यार लेट हो रहे थे, तू ही चिल्ला रही थी लेट हो रहे, तो जो पहना था वो पहना था, ठीक है छोड़। भाई साहब भगवान के नाम पे कुछ दे दो, हमने कुछ नहीं खाया दो दिन से, बहुत भूख लगी है हमें। तुम लोग सच में इतनी सुंदर हो या है मेरी आंखों का दोष? ना जाने जब से तुम लोगों को देखा है खोता जा रहा हूँ मैं अपने होश। भाई साहब आप ये क्या बोले जा रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? हम तो लड़कियाँ हैं, हमें कुछ खाने को दे दो ना। अरे आप तो बुरा मान गई, मैं आपको थोड़ी बोल रहा था, और मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, ये लो दोनों मिल बांट के खा लेना। हाँ, और बाकी तुम दोनों सुंदर बहुत हो। शुक्रिया साहब। कंजूस, ये 1 रुपए भी लेके चला जाना, ये देखे गया और कह रहे दोनों बांट के खा लेना, भिखारी कहेगा। भगवान के नाम पे हमें कुछ दे दीजिए, कोई है? अरे बहन, भैया प्लीज कुछ पैसे दो, कुछ खा लूंगी मैं, दो दिन से मैंने और मेरी बहन ने कुछ नहीं खाया, प्लीज। अरे बहन, आप लोगों के सामने इतने सारे पैसे पड़े हैं और आप लोगों को नजर नहीं आ रहा कुछ? क्या हमारे सामने पैसे पड़े हैं? हाँ। कितने पैसे होंगे? 25-30 हजार रुपए। 25-30 हजार रुपए? ये कौन रख के चला गया, हमें तो पता भी नहीं चला, और हमें तो दिखाई भी नहीं देता, तो पता ही नहीं पैसे है या नहीं है, जो हाथ में लेके जाता है तो ही पता चलता, तो रख लेते। बहन ऐसा करो, मैं इनको एक जगह इकट्ठा कर दिया, आप लोग इसे रख लो कहीं छुपा के, नहीं तो कोई ले जाएगा। चलो शुक्रिया। शुक्रिया भाई साहब, भगवान आपका भला करे, आपने हमारा इतना बड़ा नुकसान होने से बचा लिया, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? बस मेरी बहनों, मेरे लिए दुआ करना कि जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ बस वो काम हो जाए, और आप ऐसे कपड़े पहन के यहाँ मत बैठा करो, देश के माहौल ठीक नहीं है बिल्कुल भी। शुक्रिया, हम आगे से ध्यान रखेंगे। शुक्रिया। भगवान करे अगर मेरी जॉब लग गई ना, तो मैं कल आके ना आप लोगों के लिए कपड़े भी लेके आऊँगा अच्छे। शुक्रिया भाई साहब। सो हेलो एवरीवन, ये इस कंपनी के ऑनर है, आई होप आप लोग इनको पहचानते ही होंगे, क्या आपका इंटरव्यू लेंगे? आप लोग यहाँ पे क्या? और आप लोग देख सकते हो? जी हाँ, हमारे यहाँ के बिल्कुल सही है, हम बहुत अच्छे से आपको देख सकते हैं, और आप लोगों ने जिस तरीके से पैसे उठाए बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा टैलेंट है आपके अंदर, कविता आप में और आकाश आप में भी, पर अगर आप फेल हो गए उस टेस्ट में। हाँ, हमने वो टेस्ट इसलिए रखा था ताकि हम देख सके कि आप लोगों की लाइफ में पैसों की क्या इम्पोर्टेंस है, आप छोड़ के चले जाते हो अच्छाई करते हो या अपने लिए पैसे उठाते हो, क्योंकि आजकल के टाइम में अच्छाई का हम क्या करेंगे, हमको तो ऐसा बंदा चाहिए, ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो पैसों की कदर जानता हो। और अभी आप लोगों का एक टेस्ट बाकी है, आई होप इस बार आप लोग कोई गलत डिसीजन ना लो। तो आपके सामने ये 3 ऑप्शन, इसमें से एक है घड़ी जो है 10 लाख, दूसरा है आईफोन, और तीसरा है हमारी कंपनी का लेटर पेन, वो है अपॉइंटमेंट लेटर। अगर आप उसको चूज करते हैं तो 5 साल के लिए आप हमारी कंपनी के साथ बॉन्ड में बन जाएंगे, मतलब अगर आपको कहीं से अच्छा ऑफर मिलता है
फिर भी आप हमारी कंपनी को छोड़ नहीं सकते। और हाँ, अगर आप लोग ये ज्वाइनिंग लेटर लेते हैं तो उसमें भी आपके ज्वाइन करने के चांसेस बहुत कम है। और तो और, आपका एक इंटरव्यू और होगा जो कि आपके टैलेंट बेस पर होगा। मैम ये कंपलसरी है, अगर मैं ज्वाइनिंग लेटर लेता हूँ तो फिर मेरे को नेक्स्ट राउंड भी देना पड़ेगा। जी हाँ, और तो और, आप तीनों में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा। और अगर आप घड़ी या आईफोन सिलेक्ट करते हैं तो वो आपका अभी हो जाएगा। अब मैं काउंटडाउन स्टार्ट करता हूँ, जिसने जो सिलेक्ट किया वो उसकी किस्मत। आई होप आप लोग इतने इंटेलिजेंट तो हो गए कि आपको क्या सेलेक्ट करना और क्या नहीं। 5, 4, 3, 2, 1। अरे वाह, तो आप इन्होंने अपने ऑप्शंस चूज कर लिए। यस मैम। अजगर आपने आईफोन या घड़ी क्यों नहीं सेलेक्ट करा? हाँ सर, मैंने घड़ी और आईफोन इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो मैं अपनी कमाई से लेना चाहता हूँ, और वैसे भी वो मेरी कमाई के नहीं थे। मैं अगर उसे ले भी लेता ना तो वो मेरे लिए हराम का ही कहलाता। और बाकी मैं इस ज्वाइनिंग लेटर से कंफर्म तो नहीं है कि मैं सिलेक्ट होऊंगा, फिर भी एक कोशिश तो कर ही सकता हूँ। पर सोच लीजिए, अगर आपने वो ऑप्शन चूज किया तो 5 साल के लिए हमारी कंपनी के साथ बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। कहीं से अच्छा ऑफर भी आएगा तो भी आप छोड़ के नहीं जा सकते। कोई नहीं सर, मैं बंधने के लिए यहाँ पे आया हूँ। वैसे भी मेरा सपना था इस कंपनी में जॉब करने के लिए। वैसे भी क्या होता है सर, अगर कोई मुझे 50,000 रुपये भी देता है, अगर मुझे यहाँ पे 40,000 रुपये मिल रहे हैं और मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए कंपनी नहीं है, मेरा घर है। वैसे भी सर मुझे इस नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई नहीं असगर, आप सिलेक्टेड हैं, बाकी आप दोनों घर जा सकते हैं। और हाँ, हमारा सामान ये टेबल पर रख देना। ये क्या बात होती है, ऑप्शंस वापस कर देना? हाँ होती है, और हम ऐसे ही लोग हैं, आप जैसे बेईमान को तो हायर नहीं कर सकते ना, और मुफ्त में ये सब दे भी नहीं सकते आप जैसे लोगों को। और तुम ऑप्शन की बात मत करो, अरे दो लोग अंधे बैठे होंगे सड़क पे, तुम तो उनके भी पैसे उठा के ले आई, और हमने बोला वो टेस्ट कराऊंगा तो कितनी जल्दी खुश होगी, हाँ हाँ पैसे उठा लिए। ये क्या नौटंकी लगा रखी है मैम आप लोगों ने? अभी आप लोगों ने बोला था कि इसके बाद एक और राउंड होगा, अभी कोई राउंड भी नहीं हुआ और आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। क्योंकि उसके अंदर पैसों का लालच नहीं है। लालच तो हमारे अंदर भी नहीं था, लेकिन लालच लाया कौन हमारे अंदर? आप लोग एक तो इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे थे और हमें अपनी बातों में फंसा रहे थे। और किसी ने सही कहा, बस ट्रेन और लड़की पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने आप लोगों के ऊपर भरोसा करके ईमानदारी से एक गिफ्ट चुन लिया तो आप लोग मेरे को जॉब पे से निकाल रहे हो, किस लिए भाई? सिर्फ मैंने अपना दिमाग लगाया, बस इसलिए? ये दिमाग लगाना बोलते हैं, इसे लालच नहीं बोलते, बेईमानी नहीं बोलते। लालच की बात आप करिए मत, 5 साल के लिए ये बुतू पैसों के लिए बनना चाहता है और आप बोल रहे कि इसके अंदर लालच नहीं है। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा गेम खेल लिया आपने हमारे साथ। मैम इसको लालच नहीं कहते, इसको लॉयल्टी कहते हैं, जो कंपनी के लिए होनी चाहिए। और ये जो सारे टेस्ट थे ना, बस यही चेक करने के थे। और सर आप क्या बोल रहे थे कि आपको लालच दी हमने, इसलिए आप पिघल गए? अरे मतलब कोई और बड़ी कंपनी आके कल को आपको लालच देगी तो आप तो हमारी कंपनी के सारे प्लान्स उधर भेज दोगे? अब हम ये करें क्या, इतने सालों से इतनी मेहनत से हमने कंपनी खड़ी की है और एक एम्प्लॉय के हाथों उसको बिकवा दे? लालच और ईमानदारी के बात आप दोनों तो बिल्कुल मत करिए, वो तो हमने पहले राउंड में ही देख लिया था। मैंने और चेतना ने कैसे जज कर रहे थे तुम कपड़ों को लेकर, शर्म आती है? और हाँ, हमें एक ईमानदार लड़का चाहिए था जो कि हमें मिल गया। सामान यहाँ रखिए और चलते बनिए। और हाँ, पैसे बाहर रिसेप्शन पे जमा करवा देना, एक भी नोट कम नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। आप हमें मंडे से ज्वाइन कर सकते हैं और आपका पैकेज 24 लाख रुपए होगा। थैंक यू सर, मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर। आपने मेरा उस जगह पे साथ दिया जहाँ लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया। कोई बात, मैं कल से ही ज्वाइन कर